नमस्कार, इंडिया न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इंडिया की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पुनीषा शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने अब तक की 21 लोगों के बयान दर्ज। नागपुर में सीएम बनने के बाद पहली बार डॉक्टर हेड के बाद स्मृति स्थल पहुँचे एकनाथ शिंदे। जनवरी में कोरोना वायरस में बढ़ोतरी संभव, विदेशी यात्रियों के लिए जरूरी हो सकता है आरटीपीसीआर। गुजरात खेड़ा जिले की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची मौके पर। एनजीओ में महिलाओं के काम करने पर बैन लगाने वाला फैसला वापस ले तालिबान, अमेरिका का कहना। ट्विटर हुआ डाउन, यूजर्स के साइन इन करने में हो रही है परेशानी। फिलीपींस में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 26 लोगों की हो चुकी है मौत। नए साल में कॉल ड्रॉप स्लो, डाटा स्पीड से मिल सकती है छुटकारा, नए नियम कड़े करने की तैयारी कर रहा है ट्राई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने की पीएम मोदी से मां के जल्दी स्वस्थ होने की कामना। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले अखिलेश यादव, हमें न्योता नहीं मिला, कांग्रेस बीजेपी एक साथ।